हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MKI गेम लव में। तो आज हम बनाने वाले हैं एक फाउंटेन, बहुत बड़ा सा। तो देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं एक फाउंटेन बड़ा सा। तो उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें, साथ में वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, तो आपके पास ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है एरिया जिस पे हम फाउंटेन बनाएंगे और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। ये वॉल लगा दी है अभी और अभी मैंने इस पे गेट नहीं लगाया है। तो फ्रेंड, उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये देखिए कितना बड़ा फाउंटेन, अपने घर के बराबर का तो फाउंटेन बनने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना नीचे ये हमारे गाइड के लिए हमने ये ब्लॉक्स लगा रखे हैं। तो ये कैसे लगा रखे है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है मेन, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 1 है। फिर इसका पूरा अपोजिट हो जाएगा 2 2 3 और फिर वापस से 7, तो ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना जो सामान है वो हमारे पास है, ये रहा हमारा सामान जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हम ले लेते हैं अभी हमारी स्टेयर्स और उसके साथ हम ले लेते हैं हमारे स्लैब्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बाहर की तरफ ना इन सब पे स्टेयर्स रखेंगे कुछ इस तरह से, और ऐसा ना इधर भी करना है ऐसे और ऐसे ऐसे। उसके बाद ये सिंगल है तो ये इस साइड मूव और फिर ये जो है ये इस साइड मूव, तो ये कुछ ऐसा लगेगा और ऐसा पूरा करना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ ऐसा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इन सबको हम कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, ये पहला कनेक्ट ऐसा होगा, सब इस साइड होंगे अभी, तो ये ऐसे ऐसे। और अब क्या करेंगे, हम बाहर करेंगे ऐसे और फिर वापस से अंदर इसको इस साइड से करना शुरू कर देंगे। तो पहले अंदर की साइड, यानी कि देख लीजिए एक बार और, तो ये ऐसे अंदर और फिर ये वाला भी अंदर, ये वाला भी अंदर और ये वाला भी अंदर, फिर ये वाला बाहर, अब इस साइड। तो ऐसे पूरा करना है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी ना हम इसके ऊपर रखेंगे स्लैब्स। तो कैसे स्लैब्स रखेंगे, हर एक के ऊपर एक एक स्लैब रख देना है। तो ये कुछ ऐसा लगेगा और जब ये स्लैब लगेगा तो ये देखिए डबल का लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जल्दी से मैं इन सब पे स्लैब रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लग चुके हैं और यहाँ पर मैंने जगह छोड़ दी ताकि अंदर बाहर जा सकें हम, क्योंकि इसके ऊपर से हम अंदर बाहर नहीं जा पाएंगे। और ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम चलते हैं अंदर और अंदर का बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा, इसमें से हम मिडिल निकालेंगे, बीच का कौन सा है। तो देखिए, दो इधर और दो इधर, तो ये रहा। तो इधर अभी हम चलते हैं और एक अंदाज से इधर लगा देते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये वाला होगा, यही है, यही है, यही है, ये वाला है। तो फ्रेंड्स, हमें मिडिल पॉइंट मिल चुका है और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा जो डर्ट है वो लेकर और यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा मिडिल पॉइंट मिल चुका है हमें। अभी हम ना इधर साइड बनाएंगे, तो ये यहाँ पर एक छोड़कर, यानी कि सेकंड वाले से एक छोड़कर, और यहाँ पर हम रखेंगे एक, ये वाली रखते हैं, तो एक रखते हैं हम यहाँ पर ऐसा, और सेम टू सेम उस साइड भी कर देते हैं। तो ये वाला है और इसे एक छोड़कर ये वाला, तो ये देखिए ये बराबर लगेगा। तो ऐसा चारों तरफ करना है। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है और अभी ना हम इसके ऊपर लगा देंगे एक एक वॉल। तो फ्रेंड्स, ये लग चुके हैं और अब हम बनाते हैं बीच का।
तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे 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 और कुछ इस तरह से। तो अभी हम चलते हैं कितना ऊपर जाएं, 8 ब्लॉक्स। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक और जाना है। ठीक है, तो अभी हम ना नीचे से ऐसे पूरा लगा देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लगेगा, और अब मैं नीचे आए हाय एकदम उतर गया। ठीक है, अभी हम ना चारों तरफ क्या करने वाले, इधर 2 ब्लॉक और एक सिंगल ब्लॉक, सेम इस साइड 2 ब्लॉक और एक सिंगल, उसके बाद इधर भी 2 ब्लॉक एक सिंगल, और 2 ब्लॉक और एक सिंगल। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम स्टेयर्स, एक इधर और एक इधर, ऐसे चारों तरफ करना है। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हम क्या करते हैं, हम ना ऐसे और कुछ ऐसे लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं और ऐसे। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। और ऐसा कैसे ही चारों तरफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले स्टोन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये ऐसा लगता है जैसे बहुत पुराने टाइप हैं और पानी से इनमें कजी आ चुकी है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इससे बना रहा हूँ इसको। और कुछ चेंजेस होंगे तो बाद में कर लेंगे, अभी तो हमारा ये करना है। 3 और हो गए हैं ना, तो इधर और बच रहा है, तो ये 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, और बीच में ऐसा। ठीक है, इधर का भी हम सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। वैसे हम स्टेयर्स लगा सकते हैं यहाँ, बट अभी नहीं लगाएंगे। तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है, अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर चलने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे स्केप होल्डिंग्स, और स्केप होल्डिंग्स हम यूज़ करेंगे कुछ यहाँ पर करते हैं। तो ऊपर आ गए क्या, आ गए शायद से, और ऐसे करके पास चले जाते हैं इसके। अच्छा यहाँ नहीं लगेगा, ओके कोई बात नहीं। तो अभी ना हम एक ब्लॉक ऐसे लगाते हैं और चढ़ते हैं ऊपर। ठीक है, तो इनको तोड़ देते हैं, और अभी हम जाते हैं 5 ब्लॉक्स, यानी ये 1 है 2 3 4 और 5, और ऐसा चारों तरफ जाते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है, और अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसके आसपास, ओह बच गया, इसके आसपास भी इसको पूरा ऐसा पैक कर देंगे, तीन तीन का ही, इन मतलब इधर साइड और इस साइड, और ऐसा चारों तरफ कर देता हूँ मैं फटाफट, ऐसा का ऐसा है इन चारों पे, तीनों पे भी। तो फ्रेंड्स ये हो चुका है, और अभी ना हम इनको थोड़ा सा सर्कल शेप देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लगाते हैं 2, यहाँ पर लगाते हैं 2, यहाँ सिंगल और यहाँ सिंगल, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, और ऐसा कैसे ही हम इस साइड कर देते हैं, यानी कि पहले एक सिंगल, उसके बाद हम लगाएंगे ऐसे, फिर अरे ओ मेरे पास ख़त्म हो गए क्या, हाँ मेरे पास ख़त्म हो गए, तो अभी और लेकर आते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ख़त्म हो चुके थे, तो मैं और लेकर आ चुका हूँ, और अब जल्दी से बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना यहाँ पर हम लगाएंगे हमारे ये स्टेयर्स। तो स्टेयर्स लगाने के लिए मैं कैसे लगाऊंगा, कुछ क्या करना चाहिए मुझे, मुझे ना यहाँ पर एक, यहाँ पर एक लगाना चाहिए, हाँ। और उसके बाद स्केप फोल्डिंग से इधर जाता हूँ, और ये का ये इधर साइड लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, उसके बाद वापस थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और तो फ्रेंड्स हमारे ये स्टेयर्स भी लग चुके हैं, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी नीचे चल के हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो मैं ये तोड़ देता हूँ सारे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है, और नीचे का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये वाली लेयर और ये वाली, मतलब 2 लेयर हम तोड़ देंगे, और तीसरी भी शायद से तोड़ देनी चाहिए, हाँ 3 लेयर हम तोड़ देंगे अभी। और मेरे को कुछ चेंजेस की इच्छा हो रही है, तो मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पर के, पहले तोड़ देता हूँ। ठीक है, और ये वाले मैंने 3 ब्लॉक तोड़े ना। ठीक है, तो
अभी क्या करेंगे हम, ये वाले लेते हैं यहाँ पर, कहाँ गए मेरे मौसी, और इसके बाद यहाँ हम लगा देते हैं एक, और ये लग गया हमारा एक, और एक और लगाते हैं अभी, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, और ये ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी हम ना हमारी वॉल्स लेते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं वॉल्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी लगेगी। तो अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर यूँ फिल कर देता हूँ और वहाँ पे भी कर दूँगा अभी। तो एक ये लग गई, एक ये लग गई, इधर भी लगाना है। तो अभी पहले मैं ये स्टोन्स रख देता हूँ यहाँ पर और वॉल लगा देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स ऐसी कुछ लग रही है और देखिए कितने अच्छी लग रही है। अब क्या करते हैं हम ऊपर चलते हैं और अब सेकंड फ्लोर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके फोल्डिंग्स ले लेता हूँ मैं, और ये तो बढ़िया लग रही है ना, हाँ लग ही रही है अच्छी। तो अभी कुछ यहाँ पर रखता हूँ और ऊपर जाता हूँ और जंप, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो चुका है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हमारे ये ब्लॉक्स और ये कुछ ऐसे लगेंगे। हमारे पास स्टेयर्स हैं, हमारे पास स्टेयर्स भी कम हो मतलब ख़त्म होने वाली है, तो उसका भी ध्यान रखना है मुझे। तो ये ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करते हैं, हम चलते हैं सेकंड फ्लोर के लिए। तो सेकंड फ्लोर के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाले ब्लॉक्स, और यहाँ हम वापस से सेम टू सेम बनाते हैं कुछ इस तरह से। और इसको जाते हैं हम, कितने ब्लॉक्स जाएंगे हम, 5 ब्लॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, सही है ना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ब्लॉक्स हम ऊपर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये जगह थोड़ी सी छोटी लग रही है तो मैं स्लैब्स यूज़ करता हूँ। स्लैब्स कितना आगे जाएंगे हम देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ 4 ब्लॉक्स आगे जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 जाएंगे, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि पानी यहाँ से गिरेगा ना, नहीं अच्छा लगेगा। सिर्फ 3 ब्लॉक्स, ठीक है। और इसको हम कुछ ऐसा कर देते हैं, 2 ब्लॉक साइड बाय साइड और 3 ब्लॉक बीच में, तो ऐसा इधर भी कर देते हैं हम एक। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब क्या करते हैं इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे करके, और ये ख़त्म हो चुका है हमारा। तो अभी हमारा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लगाते हैं या तो टेम्परेरी ब्लॉक, टेम्परेरी ब्लॉक लगाएं कि क्या लगाएं, ये लगा देते हैं, हाँ ये लगा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये लास्ट 1 2 3। तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हम स्टेयर्स लगाएंगे, तो ये स्टेयर्स हम यहाँ लेते हैं और कैसे लगाएंगे, एक ऐसे, ठीक है, ये वाली भी ऐसे, ये वाली भी ऐसे, और उसके बाद ऐसे, सही लगी ना, इधर चलते हैं। ऐसे सामने की तरफ मुंह रख कर बना रहा हूँ मैं, तो ये सामने, ये भी सामने और ये भी सामने, उसके बाद इधर चलते हैं, ये भी सामने, ये भी सामने, सामने और सामने, और क्या करूँ मैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी नीचे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। तो ये देखिए ये कैसा, अरे यार यहाँ पर ना मैं टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि कुछ स्पॉन ना हो जाए, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी ना हम इन सारी स्टेयर्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे खड़ा होता हूँ, यहाँ स्केफोल्डिंग्स लगाता हूँ और चलते हैं ऊपर। अब ज्वाइन करते हैं इन सबको, तो कैसे ज्वाइन करेंगे मुझे नहीं पता। ज्वाइन हो गई, हाँ हो गई हो गई हो गई, ये भी ज्वाइन हो गई क्या, नहीं हुई। कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास डर्ट ब्लॉक है, बिल्कुल है, स्क्वेयर फोल्डिंग्स हटाओ, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लगाएंगे डर्ट और डर्ट के ऊपर कर चढ़ के और फिर काम करेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये हो चुका है हमारा और यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है, तो ये बीच वाला तोड़ते हैं। ये तोड़ा मैंने और मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, चलते हैं ऊपर और इसके बीच में हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ ऐसे। गलत, गिर गया, वापस चलो वापस चलो वापस चलो, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करें इसको, नहीं हो रहा यार, कैसे करूं ऐसे,
ये ज्वाइन हो गया होगा। हाँ ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया, बट ये ज्वाइन नहीं हुआ है, तो इसको तोड़ते हैं। अरे यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका भी। अगर मैं इसको, ये ज्वाइन हो गया ना ऐसे, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ना, हाँ हो गया। अरे यार चलो वापस चलते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ना बीच बीच के जो छोड़ दिए हैं, अब ऊपर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कुछ कर सकते हैं क्या। तो अभी तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऊपर जाता हूँ, और ये जो जगह है ना मैंने ये गेप करे, यहाँ पर इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला कर रखा है ना ऐसे यहाँ पर करता हूँ, तो ऐसे। अब सही हुआ है कि नहीं ये तो नीचे जाके देखेंगे, ऐसे। और ये वाला भी ऐसे, और ये तो है ही सही। चलो नीचे चल के देखते हैं कैसा है लगा है। फ्रेंड्स यहाँ पर ना थोड़ा सा मज़े नहीं आ रहे, बाकी तो सब अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा ही तो लग रहा है। ठीक है अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगा देते हैं हमारी स्लैब्स। तो कहाँ गई मेरी स्लैब्स, और ये चारों तरफ हम स्लैब्स लगा देते हैं। वापस हम स्केफोल्डिंग का सहारा लेंगे, यहाँ 1 2 3 और चढ़ जाओ ऊपर। और कहाँ पर स्लैब्स लगाएंगे हम, यहाँ पर ऐसे ऐसे, गलत लगा रहा हूँ ना, हाँ एक इधर लगा दिया और एक ऐसे। उसके बाद यहाँ पे तो लगाना नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं लगाना था, यहाँ आई थिंक मैंने लगा दिया है। सर्वाइवल मोड में यही दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है नीचे से, और अच्छे से व्यू नहीं मिल पाता है ना, इस चक्कर में कंफ्यूजन बढ़ती रहती है। हाँ ना मैं, अरे मैं यहाँ पर भी तो लगा सकता हूँ स्लैब, ये ऐसे भी तो लगा सकता हूँ। हाँ आ गया, अच्छा लग रहा है। तो इधर लग गया है, और किधर लगाऊँ मैं, इधर लगाऊँ क्या, नहीं नीचे उतरते पहले स्लैब ऐसे, और ऐसे चारों तरफ लगा देता हूँ मैं स्लैब्स। तो ये देखिए ये एक जैसा लगेगा। ओहो तोड़ो, सब तोड़ दो, यहाँ पर स्लैब लगाओ, और ये वाला भी तोड़ो, ये भी तोड़ो, यहाँ भी लग गया ना हमारा। और तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी तो फिर चेंजेस होंगे तो देखेंगे यार, क्योंकि अभी तो जितना हो सका कर दिया मैंने, है ना। कुछ तो गड़बड़ है, जैसे अब ये यहाँ गड़बड़ है ना। तो इसको हम तोड़ते हैं, और इसको भी तोड़ते हैं, और ऐसे, अरे ऐसे ऐसे, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला स्टेज भी हमारी बन चुकी है, और अभी ना हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिप कर देते हैं, एक इधर एक इधर, और इधर हम लगाएंगे हमारे सी लैंटर्स। तो सी लैंटर्न ही बोलते हैं ना, हाँ सी लैंटर्स, तो लगा भी देते हैं ये यहाँ पर एक, अरे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ। ये सी लैंटर्न हमें मिले थे ओशन मॉन्यूमेंट से, तो मैंने दो दो तोड़े थे, तो मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हैं। और अब क्या करने वाले, हम चलने वाले हैं इसके ऊपर, और हम फाइनल बनाएंगे फाइनल वाला। तो फाइनल वाला हम कैसे बनाएंगे, चलते हैं पहले ऊपर देखते हैं। और ये वाले में मेरे को थोड़ा मज़े नहीं आ रहे, बट देखेंगे बाद में कुछ मैं रिपेयर कर सकूं, अभी तो जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाले ब्लॉक्स यहाँ लेने वाला हूँ, और जाता हूँ 1 2 3, 3 बहुत है। उसके बाद लेते हैं हमारी वॉल्स, ये भी 3 बची हैं, तो 1। अरे इसके ऊपर नहीं जा सकते क्या, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास स्केफोल्डिंग से, तो चलो 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 चलो। अरे 1 2 3, और ये कुछ ऐसी लग रही है। अब सबसे ऊपर हम लगा देते हैं हमारी एक और सी लैंटर्न, तो ये हमारी सी लैंटर्न लग गई। ठीक है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ते हैं, और अभी हमारी जो लैंटर्न है ना उसको वापस से लगाते हैं हम 2 पे, 2 पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था वो।
तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है, और आई थिंक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है ऐसा मेरे को लगता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है, इसको तोड़ो। और कुछ एक्स्ट्रा लगा है क्या? ये भी एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है। अरे ये तो वही थी स्टेयर्स यार। क्या हो रहा है, क्या मजाक हो रहा है? हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है तो अब चलते हैं हम नीचे, और इस वाले पे भी हमारी ये टॉर्चेज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाले तोड़ देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब हम पानी ला के देखते हैं, और अगर सही बना होगा तो पानी बिल्कुल नीचे तक सही सलामत जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और जॉम्बीज भी बराबर आ चुके हैं, इनको भी मारना है। तो अभी मैं ये सामान यहाँ रखता हूँ, और जो कुछ एडिट करना होगा वो देखेंगे। अभी हम वाटर लेते हैं। आ गया। अरे 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 अरे, तुम्हें चैन नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है, तुम्हें चैन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है तो अभी हम ना क्या करने वाले हैं, ये वाटर पूरा ले लेते हैं, ज़रूरत पड़ती जाएगी तो देखेंगे बाद में। तो अभी चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर चलते हैं सबसे पहले, और वहाँ से पानी छोड़ते हैं, वो पानी नीचे तक आ जाएगा अगर अच्छा सही बना होगा तो। अभी और ऊपर चलते हैं, ये गए और इन्हें तोड़ देते हैं, और सेकंड वाले से मैं पानी छोड़ देता हूँ। तो ये गया हमारा पानी, ये गया, और ये भी, ये अभी नहीं तोड़ रहा, अभी नहीं तोड़ रहा, ये भी गया और नीचे पहुंच गया। तो मेरे रॉकेट्स कहाँ हैं, ये लेते हैं, ये यहाँ रखते हैं, और जंप करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा लग रहा है, और अभी हम क्या करने वाले हैं, ये सारी स्केफोल्डिंग्स हटा देते हैं, थोड़ा वाटर का लेवल बढ़ा देते हैं, और उसके बाद और क्या जो भी सही लगेगा वो करेंगे। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पर, और हम चलते हैं ऊपर ऊपर सबसे ऊपर वाले पे, और मेरे पास जो वाटर है ना मैं इसको पूरा फिल कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाटर यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, और वाटर फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट हो चुका है, और ये पानी यहाँ से यूँ आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला तोड़ के यहाँ पर भी ना एक वाटरफॉल बना लूँ, यहाँ से भी पानी गिरेगा तो अच्छा लगेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो ये मैंने तोड़ा है, दो इधर और दो इधर, तीन इधर, एक दो, एक दो, और ये बीच में दो थे। ठीक है तो काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, ये भी तोड़ देता हूँ। चलो नीचे चल के देखते हैं कि सही है कि नहीं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलो ऊपर चलते हैं, और वापस ऐसा का ऐसा है मैं चारों तरफ कर देता हूँ। तो ये दो, ये और ये, और उसके बाद एक दो, ये और ये, और उसके बाद एक दो, ये और ये। तो फ्रेंड्स ये फ्लोर भी हमारा कंप्लीट ही है, तो अभी हम वाटर फिल कर लेते हैं, और इन्फिनिट वाटर बना के और नीचे ही हम फिल कर देंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम, ये जो वॉल हमने रखी है ना इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो यार एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर इन्फिनिट वाटर बनाता हूँ, तो ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा इन्फिनिट वाटर बन गया ऐसे, और पहले इसको पूरा फिल कर देता हूँ, उसके बाद जो पानी मिलेगा उससे हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। तो मैं इन्फिनिट वाटर से जल्दी जल्दी इन सबको फिल कर देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये भी हमारा बन चुका है और इसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये देखिए साइड में ना हमने स्टेयर्स लगा रखी है और स्लैब लगा रखी, और स्टेयर और स्लैब दोनों एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर अगर मैंने पानी डाला तो वो है ना साइड से निकल जाएगा, यानी ये देखिए स्टेयर्स पे अगर मैंने पानी डाला ना तो ये बाहर निकल जाएगा, तो स्टेयर्स पे पानी नहीं डाल सकते हैं, इसी चक्कर में यहाँ डालना पड़ता है। और देखिए अभी ये जो डल चुका है ना इसको ऐसे हटाना पड़ेगा, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया। आप क्या करने वाले हैं, हम इसके ऊपर से हम वाटर फॉल बनाएंगे ऐसा कुछ, ये छोटे छोटे से हमारे फाउंटेन होंगे। तो अरे ये वाला फिल, अरे ये वाला फिल कर दें, और रात होने वाली है और यहाँ पे कर देते हैं। और ख़ास बात ये होती है पानी की, तो पानी भी ग्लास की तरह या लीव्स की तरह इस पर कुछ भी स्पॉन नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं है लाइट की। बट यार बिना लाइट के तो फाउंटेन अच्छा लगेगा ही नहीं, और डबल कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे लेंटर्न्स हैं, अरे मैंने बाहर फेंक दिया क्या, तो इनको लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर एक, अरे लग जा एक सेकंड, एक और तरीका है तो एक यहाँ पर और ऐसे करके चारों तरफ लगा देता हूँ। अरे यार ये आ गया ना, ये परेशान करेगा। पानी के अंदर शायद से ये ज़्यादा ब्लास्ट वो नहीं होता है। हाँ ठीक है, पानी के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर और ये बाकी के जो लैंटर्न्स हैं ये लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये लैंटर्न लग चुकी है और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ बीच में चलते हैं और यहाँ पर ना ऐसे लगा देते हैं तो अच्छा लग रहा है। और हम लेते हैं एक बकेट पानी और यहाँ बीचों बीच डाल देते हैं, तो ये चारों तरफ ना पानी फेंकेगा, है कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स हमारा ये जो फाउंटेन है ना ये कंप्लीट हो चुका है, और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको भी पैक कर देते हैं यहाँ पर, और चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने कुछ छूटा तो नहीं है हमसे। तो ये फ्रेंड्स हमारा है फाउंटेन जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी इसके आसपास थोड़ा सा गार्डन बनाएंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए चलो तो अब उड़ना शुरू करते हैं, तो ये जंप। और फ्रेंड्स देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, सीरियसली यार बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब अपन चलते हैं इसके ऊपर और यहाँ से देखते हैं कैसा लगता है। तो यहाँ आ गए, आय हाय देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सच में बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स हमारा ये फाउंटेन कंप्लीट हो चुका है और ये वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी एक बार वो बताता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि देखिए आप सर्वाइवल में जब बनाते हैं ना कोई सी भी चीज़ तो उसमें इतना टाइम लगता है और इतनी मेहनत लगती है ना, तो आपको दिख ही रहा है कि कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और गुड बाय।